और प्रेसिडेंट अथॉरिटीज कहाँ है ऐसा बताइए, क्या जांच की गई, कहाँ से हैं आप? सीएमओ गोटेगांव निवेदन करी सर जी एडिशनल चार्जेस सीएमओ गोटेगांव, आप सीएमओ बताइएगा क्या एडिशनल जांच चार्ज इन द है है, नर्सिंग होम, एडिशनल चार्ज इन द तो उससे नर्सिंग हमें मतलब नहीं है, तो सरकार ने बनाया ना एडिशनल चार्ज। जी अभी बताइएगा, नरसिंहपुर का मैटर है ना ये, या सर। क्या जांच हुई थी आपकी इस बिल्डिंग के बारे में? इसमें सर नस्पी का सर हम लोगों ने देखा क्या देखा था? सर नोट शीट सर हम लोगों ने माइक का इस्तेमाल करिए, आगे आ जाइए। सर नस्पी सर कल आई सर देखी थी जी सर। इसमें ही सर नस्पी में लिखा हुआ है जी सर, नगर पालिका परिषद के क्षेत्रांतर्गत सर जर्जर मकानों का सर्वे सर स्थल निरीक्षण किया गया था, जिसमें जी सर संयुक्त टीम थी नगर पालिका की, राजस्व की, तहसीलदार की और आरई व पटवारी की। किस प्रावधान में, कानून के किस प्रावधान में ये टीम गठित की गई थी? सर आर्टिकल 221 में सर जर्जर आर्टिकल टू मकानों ट्वेंटी के वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन नहीं सर सेक्शन सेक्शन सेक्शन, आर्टिकल बता रही है मैडम। सॉरी हाँ सर म्यूनिसिपलिटीज एक्ट दीजिएगा, म्यूनिसपैलिटी एक्ट दीजिएगा। सर ज्वाइंट सर्वे सर एक साथ हो गया था जी फिर क्या हुआ उस सर। ज्वाइंट सर्वे में फिर? उसके बाद सर पीछे सर इसमें 53 मकानों की लिस्ट लगी हुई है सर, हाँ जिनको जीर्ण शीर्ण माना गया है हाँ किस सर आधार पे माना गया, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। सर ज्वाइंट सर्वे के आंखों से देख के आपको मालूम पड़ जाता है कौन सा जीन शीन है, कोई तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होगी ना इसमें। इस टीम में थे आपके सिटी प्लानर थे, आर्किटेक्ट थे, सिविल सिटी इंजीनियर थे, बताइए ना इस टीम में कौन कौन था। सर तत्कालीन एई के सर इसमें यही हस्ताक्षर क्या होता है? असिस्टेंट इंजीनियर टू द हाँ म्यूनिसिपैलिटीज अच्छा, क्या कहा उन्होंने, क्या क्या जांच की? सर। पीछे सर 53 मकानों की लिस्ट लगी हुई है अरे उधर लिस्ट तो लग गई मैडम, जी सर। ठीक है लिस्ट तो जिसको आपने चाहा उसको लगा दिया, जांच करने के क्या पैरामीटर्स हैं? और फिर 221 में आपने नोटिस कब दिया? 221 में यू आर रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस टू द ऑक्यूपायर, पढ़ा है ना आपने 221 की? नहीं पढ़ा। हाँ जी सर 221 में नोटिस कब दिया आपने नोटिस वाज सेंड लर्डशिप इन 27/5/2017 नंबर किसको? टू द नेमली कामता पांडे लर्ड। कामता पांडे कौन है ये? सर मैं उनके लिए है लैंडलॉर्ड है, लॉर्डशिप लैंडलॉर्ड है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इसको नोटिस दिया आपने, लेट ठीक है। फिर आपने कब इसको गिराया बिल्डिंग को? अभी नहीं 2017 के देयर बाद। तो वाज फॉर नॉट योर फेलियर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दी, हाउ कैन सब रेवेन्यू ऑफिसर पास एन ऑर्डर अंडर द गार्ब ऑफ सेक्शन 133 सीआरपीसी? अब बताइएगा ना आपके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाए इसमें, कि यू हैव नॉट इन केस ऑफ इमिनेंट डेंजर द काउंसिल शैल हैव पावर विदाउट गिविंग नोटिस टू डिमोलिश सच पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग। व्हेन डिड यू डिमोलिश इट फ्रॉम 2017 एंड व्हाई यू वर हैंड इन ग्लोव विद द ओनर एंड द ऑक्यूपायर? 2013 में पहला नोटिस है। चलिए होगा 2013 में होगा नोटिस, चलिए आपकी बात लिख लेते हैं 2013 में। फिर आपने क्या नोटिस दिया इन लोगों को, टेनेंट्स को? लॉर्डशिप हमें तो 2017 में जब अरे पहली 13 बार में पहला नोटिस है ना आपको, तो आप ही ने तो बताया बीच में कि 2013 में। एफिडेविट लॉर्डशिप फ्रॉम द एफिडेविट फाइल्ड बाय टेनेंट्स हु आर पिटिशनर हियर दे हैव एडमिटेड दैट द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज इन द डिलैपिडेटेड कंडीशन कहाँ है एंड वो दे एफिडेविट? एनेक्शन पी 2013 के नोटिस की डेट कहाँ से आई है मुझे ये बताइए। एफिडेविट सर लॉर्डशिप हाँ पेज नंबर ये 29 पेज नंबर 29 लॉर्डशिप ऑफ माय ऑफ द और माय पिटीशन, रिटर्न लॉर्डशिप आपका रिटर्न लॉर्डशिप एनेक्शन 8 लॉर्डशिप एक क्षण रुक जाइएगा, देखते हैं आपका रिटर्न भी देखते हैं। पेज नंबर 29 इन्होंने म्यूनिसिपल म्यूनिसिपलिटी नरसिंहपुर के सीईओ को दिया लॉर्डशिप अच्छा देखते हैं, चलिए एंड दे हैव एडमिटेड दैट द बिल्डिंग इज इन प्रमाण पत्र में क्या डिलैपिडेटेड लिखा है कंडीशन। पढ़िएगा पढ़िएगा। आई शुड रीड लॉर्डशिप हाँ समक्ष नोटरी नरसिंहपुर पेश हेतु मुख्य न्याय नगर पालिका अधिकारी नरसिंहपुर सोनाबाई जैन ए स्वेंसो मैं शपथ पूर्वक सत्य निष्ठा पूर्वक कथन करती हूँ यह कि शपथकर्ता गांधी वार्ड कंदेली तहसील जिला नरसिंहपुर की स्थायी निवासी है, यह कि कामता प्रसाद पांडे आत्मश्री नर्मदा प्रसाद पांडे का मकान गांधी वार्ड कंदेली तो आपने खुद नरसिंहपुर में एफिडेविट स्थित दिया है एक माह में जो मकान पुराना कब देने जर्जर के? है। ये तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिया है आपने, आपके रिकॉर्ड में है ये एफिडेविट? छह एफिडेविट ऐसे हैं लॉर्डशिप अच्छा नॉट वन। हाँ और कहाँ से? इन्होंने इसी बेस पे
सीएमओ नरसिंहपुर से एमडीए लॉर्डशिप तो ये नरसिंहपुर आपको दिए थे एफिडेविट कि इनको सीएमओ को दिए थे? सीएमओ को दिया था सीएमओ की फाइल से दिखाए ना, सीएमओ मैडम तो खड़ी है ना सामने, देखिए देखिए उस फाइल से दिखा दें ये एफिडेविट कि उन्होंने दिए थे। जब आपके पास कॉपी है तो सीएमओ के पास तो होगी ही, होना चाहिए अच्छा। अनलेस आपने उसमें से निकाल लिए फाइल में से। ये जवाब कैसे आ गया? फर्दर लॉर्डशिप इन्होंने 18/1/13 को नोटिस एफिडेविट दिया लॉर्ड। नहीं नहीं आपकी फाइल नहीं देखेंगे इस तरीके से वकील साहब, आपके अंगूठा निशानी की जांच करवा देंगे फिर। तो डेथ हो चुकी है बहुत पहले, हमने रिप्लाई किया नहीं, डेथ डेथ माय लॉर्ड कैन हैव द पावर्स टू डू दैट। हियर द केस इज दैट माय लॉर्ड अंडर वन दे हैव व्हेन वी वर आई वाज आर्गुइंग ऑन द पॉइंट दैट 221 हैज नॉट बीन फॉलोड, दे कम विद द एफिडेविट एंड रिप्लाई दैट नो दिस प्रोसीजर अंडर 133। अच्छा ये जो नोटिस है 2017 का, ये दिस इज एनेक्शन 27/5/17 का नोटिस इज एनेक्शन। ऐसा कलेक्टर और जो डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग भोपाल के उसमें ज्वाइंट उसमें सर्वे हुआ, सर्वे के बाद दे सर्वड अस नोटिस कि 3 दिन के अंदर आप मकान डिमोलिश करिए, ये 2017 में। बिफोर दैट आई वाज नॉट इन पिक्चर लॉर्डशिप, लैंडलॉर्ड वाज नॉट एट ऑल पिक्चर। फ्रॉम 13 to 17 तहसीलदार एंड एसडीएम वाज फॉर्म लॉर्डशिप एंड इट इज देयर एडमिशन दैट इन्होंने इसके बदले में सर 2 मकान भी लिए, ये कहते हुए कि मकान जर्जर है और 10 दिन का हमें समय दिया जाए खाली करने के लिए। इट इज नन ऑफ देयर केस दैट हाउस इज नॉट इन डिलैपिडेटेड कंडीशन। पढ़िएगा अगला पेज, पढ़िएगा जरा पेज 23 पढ़िए। आवेदक कामता प्रसाद पांडे सजन सच के द्वारा आवेदक अनावेदक दीपक ब्रजेश की मां सोनाबाई जैन से अपनी खानदानी पैतृक जर्जर मकान पुराना सजन सच नरसिंहपुर श्याम टाकिज के पास स्थित खपड़ेल व लीट खपड़ा डबल स्टोरी में लगभग 80 वर्ष से अधिक पुराना है। आवेदक कामता प्रसाद पांडे द्वारा बताया गया कि उक्त मकान उनके नाम से दर्ज है जो कि अनावेदक दीपक ब्रजेश से खाली करवाना चाहते हैं। उक्त के संबंध में आपके द्वारा आवेदक कामता प्रसाद पांडे निवासी गांधी वार्ड को पत्र क्रमांक सचिन सच के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में खतरनाक भवन अथवा संरचना वर्षा ऋतु का प्रभाव संबंधी पत्र जांग 17/9/2019 को समक्ष में समझाइश दी गई थी कि आप 1 सप्ताह के भीतर मकान खाली कर इस न्यायालय को सूचित करें, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक खाली मकान खाली नहीं। 133 के अंतर्गत ही एक्सरसाइजिंग पावर तो ऐसा लग रहा है इसको पढ़ने से कि जो है मकान मालिक ने कहा कि हमारा मकान खाली करा दीजिए, ये खाली नहीं कर रहे हैं, ये आया ना इसमें उक्त तो मकान उनके नाम दर्ज है जो कि अनावेदक खाली करवाना चाहते हैं। सर ये हम तो आई केम इन टू पिक्चर व्हेन नोटिस वाज सर्व्ड ठीक है फ्रॉम द एसडीओ। हाँ ठीक, आई नेवर वेंट टू एसडीओ लॉर्डशिप। हाँ ठीक है, और उसके पहले 2013 में सर इनका एफिडेविट पढ़ लें, उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इसकी कॉपी तो आपको एंडोर्स्ड है कामता प्रसाद को, आप बोल रहे हैं आप यू नेवर केम इन पिक्चर। आई केम इन पिक्चर लॉर्डशिप आफ्टर दिस नोटिस वॉज सर्व्ड बाय द सीएमओ नरसिंहपुर लॉर्डशिप, इट इज वाइड 25/5/2019। अच्छा उसके पहले आई वॉज नो वेयर इन पिक्चर लॉर्डशिप। अच्छा 25/9/19 को ये एसडीओ साहब ने पत्र लिखा जी हमें कि आप 3 दिन के अंदर ये मकान जो है मैं रीड लॉर्डशिप पेज 22 ऑफ माय रिटर्न लॉर्डशिप आपकी अंडरटेकिंग फाइल कर दीजिए या रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आप जैसे खाली होगा इसको मकान को तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड दे विल हैव अ एंड इफ यू इंडक्ट एनी टेनेंट दे विल हैव द प्रेफरेंशियल राइट टू बी इंडक्टेड एज अ टेनेंट लॉर्डशिप। ठीक है भाई, जो इनको लीगल राइट कोई इशू नहीं है सर। There it was a case which they have filed on 31/8/19. Again, he is saying that after September he has received the notice. He himself has filed the case on 31/8 before the SDM. ठीक है वो तो ठीक है भाई। But मतलब मुद्दे की बात ये है कि मकान जर्जर है, इसका नोटिस ऑलरेडी म्युनिसिपैलिटी जारी कर चुकी है 2017 में। And we have filed the photographs that entire repair has been made. We have constructed the entire building properly. Photographs are already on record. We will not go into. मालूम है मेरी under which authority you can construct it? Where is the building permit? Repair, मतलब we have mentioned that we have repaired the one. No, you cannot repair it. It's a two-room house, मतलब. हाँ ठीक है. तो you vacate it, he will demolish it, reconstruct it. They have to proceed under due process of law. If I sued for eviction. नहीं. Under 133 मतलब माना they are our own high court says that it cannot be done. बताइए कौन सा judgment? ना they have. We came after the notice was served by the SDM. कि आप 3 दिन में करें otherwise आपके खिलाफ कार्रवाई होगी. अच्छा अच्छा. Otherwise we were not there at all. No. Now demonstrated, my lord. Kindly see the case which has been registered under this provision, my lord. जी. They have registered this case under 121B as per Land Revenue, my lord, circular. 121B. It's the case number which has been registered by the Revenue Authority. 121B. Yes. Now, as per the circulars, my lord, 121 is the miscellaneous works of the SDM with the power can be exercised. Miscellaneous works. Land Revenue Code में पढ़ रहे हैं. नहीं, my lord, वो परिपत्र है राजस्व का. I will pass on this. आप दीजिएगा.
121 जो होता है वो इनकम मिसलेनियस रेवेन्यू अथॉरिटीज का वर्क होता है. व्हेन वी आर्ग्यू दिस मैटर मालोट मालोट सो प्लीज टू डायरेक्ट कि इस प्रोविजन में आपने रेवेन्यू में किस प्रावधान में किया, दे फाइल एन एफिडेविट सेइंग नो 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 वी हैव डन इन 133 ऑफ सीआरपीसी टर्निंग मालोट देयर स्टैंड ऑफ 121 बी रेवेन्यू का नए स्टैंड लेके आए ऑन एफिडेविट कि 133 में किया. So that's why I have supplied all these four judgments. One of that, if they are giving an affidavit ki they have proceeded under 133 of CRPC. One of first submission is that the same issue was there, Malot. बताइए कौन से जजमेंट को रिफर कर रहे हैं? मतलब सब फर्स्ट ऑफ ऑल मालोट द अवर ओन हाई कोर्ट मालोट वीरेन कुमार महेश्वरी. हां बताइए पैरा 14 मालोट. पैरा 14 इट सेज फॉर फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ 133 138 इज वेरी मैंडेटरी मालोट. हां और बताइए अब लॉर्डशिप द केस ऑफ पिटीशनर इज लॉर्डशिप दैट आई शुड मूव बिफोर द आरसीए for eviction as I am the landlord. The reply of the reply annexure R11 lordship page 48 may kindly be seen. My learned friend argued the same issue lordship before the single bench lordship when he has filed the order against the order page 48 lordship 48 of your reply 43 lordship 43 of your reply lordship in this lordship second third paragraph फिफ्थ लाइन लॉर्डशिप इस बाबत विवाद नहीं है कि 1990 के बाद से आवेदक तथा अनावेदक के बीच में किरायेदारी के संबंध में किरायेदारी के कोई संबंध न होने से आवेदक द्वारा अनावेदक से किराया नहीं लिया गया. इस प्रकार अनावेदक द्वारा लगभग 19-20 वर्षों से यानी 12 वर्ष से अधिक अवधि में मकान में रहने और अनावेदक तथा अनावेदक के बीच में किरायेदारी के संबंध स्थापित न होने से अनावेदक का मकान में विरोधी अधिपत्य स्थापित हो जाने से मकान मालिक काबिज हो गए हैं. डिविजनल ऑफिसर डिसाइड करेगा ना, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा. लॉर्डशिप व्हाट इज देयर एफिडेविट लॉर्डशिप दैट आई एम सेइंग देयर कंडक्ट वाज दे हैव टेकन द यू टर्न इमीडिएटली लॉर्डशिप. ये एनेक्सर आर 8 देख ले लॉर्डशिप आर 80 तो दिखा रहे हैं. ये कह रहे हैं कि मकान डिलैपिडेटेड है और हम किराएदार हैं और हमें क्या है, वो तो एफिडेविट है ना आर 8 तो आर 8 और 9 लॉर्डशिप वो तो एफिडेविट्स हैं और इसके बेस पे लॉर्डशिप इन्होंने नगर पालिका से दो मकान ले लिए हाउस नंबर 36-37 व्हिच आई हैव एनेक्स लॉर्डशिप एट पेज अनेक्सर आर 10 पेज 41 इन्होंने एक खाली करने के बिना पे दो मकान ले लिए सर और वो मकान ये एंजॉय कर रहे हैं. नहीं मिले नहीं मिले अरे रुक जाइए आर एच SDP योजना के अंतर्गत महारानी इतना इतना 16 में निर्मित आवास पेज 41 लॉर्डशिप अब पेज 41 ही पढ़ लॉर्डशिप इस ग्राहियों की अंतिम सूची अनुसार दीपक जैन पिता इतना इतना वो आठवीं लॉटरी सिस्टम से आवंटित आवास का कब्जा सौंपा गया था. आपके द्वारा एक मुश्त राशि 25,000 रुपये में जमा किया गया है. शेष राशि 95,000 रुपये आप प्रतिमाह 1,000 रुपये के रूप में नगर पालिका में जमा कर रसीद प्राप्त करेंगे. आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार आवेदन का आवंटन निरस्त करते हुए आपको आवास क्रमांक 36 आवंटित किया जाता चेंज किया करते यथावत रहेंगे. चेंज ऑफ हाउस वाला लॉर्डशिप दूसरा अलॉट हो गया था. इसी प्रकार ब्रजेश शुक्ला को लॉर्डशिप दिया उन्होंने वो 42 तो हमारे सामने है ही नहीं ना. नहीं इस इज देयर पिटीशन नंबर 2 है वो सर. अच्छा पिटीशन नंबर 2 है लॉर्डशिप 42 पे है सर लॉर्डशिप वो एंड लॉर्डशिप द कंडक्ट ऑफ द पिटीशनर लॉर्डशिप एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस प्रोसीडिंग लॉर्डशिप. They have enjoyed the fruits saying that give us 10 days time, we will evict it. And the reply they are filing before SDM is that we are not the owner lordship. And in this affidavit, they have clearly admitted that we are the owner, we are the landlord. और इस हम जो है 10 दिन में खाली कर देंगे. इन्होंने उसकी बिना पे दो मकान ले लिए लॉर्डशिप. देयर आर थ्री जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट लॉर्डशिप व्हिच सेज देयर शुड नॉट बी एब्रोगेट एंड रेब्रोगेट इन द सेम proceeding before the SDM and municipality. They were very humble. We are very poor lordship. We don't evict us. Within 10 days, we will evict it. And now they are saying that I'm not the owner. I'm not the landlord. So reprobate, Supreme Court again and again has said, should be discarded in the same proceeding. The party submits that petitioners are taking contradictory stands one after another. Full stop. It is submitted that before the subdivisional officer, the stand of the petitioners was that the present respondent is not a landowner and he is not taking rent for last 19-20 years and thus by way of adverse possession they have perfected their title as landlord full stop. On the other hand they filed affidavits before the chief municipal officer seeking 10 days time to vacate the dilapidated structure. Full stop. It is also pointed out that the petitioners number 1 and 2 have obtained allotment of houses under the
IHSDP project in Maharani Lakshmibai ward, Bhatia Tola, from the municipality of Narsingpur, as is evident from annexure R110 and R110, which are allotment letters dated 24/7/2017. क्या डेट है इसकी? इसकी डेट लॉर्डशिप 24/7/2017. 24/7/2017. Whereby they were given allotment orders for house number 36 and 37 after changing the earlier allotment for house number 249 and only 249 respectively. 250. Full stop. Thus, it is submitted that petitioners are involved in the process of appropriate and reappropriate, yes, which is not permissible in terms of the law laid down by Supreme Court in Prahlad Singh versus Colonel Sukhdev Singh, AIR 1987 SC 1145, in case of Jasraj Inder Singh versus Hemraj Multan Chand, AIR 1977 SC 1011, and AIR 1960 SC 941, in Satya Dhyan Goshal and others versus Dev Ranjan Devi and another. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, there is no dispute that the act of the subdivisional officer is to be examined in the light of the judgments of this High Court, Kerala High Court, and Bombay High Court. Full stop. When these judgments are examined vis-a-vis act of the subdivisional officer, then in case of Virendra Kumar Maheshwari Supra, coordinate bench of this High Court has held that for the purpose of passing an order under section 133, on receiving a report, the evidence is required to be taken as thought fit by the authority. Full stop. In fact, it is an integral part and mandatory requirement of section 133 of Criminal Procedure Code, however, even for passing preliminary order, the procedure has to be followed. Next para. Thereafter, it is held that an opportunity has to be given both to the prosecution to prove the allegations so leveled against the petitioner, and to the petitioner an opportunity to cross-examine on the prosecution witnesses. Full stop. It is further held that for want of such opportunity, the acts of the subdivisional officer will be vitiated. Next, in case of Devki Amma, it is held that attempt of the party to evict the tenant from his tenanted premises, the order for which should be obtained under the provisions of the relevant law. For the present case, it will be the Land Accommodation Control Act. Full stop. In para 12, it is held that report prepared behind the back of the parties and when notice of inspection was not given to either of them and the building was closed at the time of inspection, PW2 did not enter the building, then such act cannot be said to be justified. Next, in para 13, in case of Devki Amma itself, referring to the judgment in case of the High Court, which will place it before this court for perusal.